नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बनने वाले अप्पे। ये बहुत ही लाइट होते हैं खाने में और बहुत झटपट बनते हैं। आप इसे छोटी मोटी भूख के लिए इवनिंग टाइम पे या ब्रेकफास्ट टाइम पे, आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप आसानी से जल्दी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत लाइट होते हैं। अब ये मैंने लिए एक बड़ा बाउल, मैंने सूजी का लिया है, यानी कि आप मान के चलो ये 500 ग्राम सूजी है। ये मैंने सूजी ली है। अब इसमें हमें डालना है 3 से 4 चम्मच दही के। हमें इसमें दही जरूरी नहीं है कि हमें दही, अगर हमने 500 ग्राम सूजी ली है तो हमें दही भी हमें 500 ग्राम ही लगेगा। इसमें हमें दही 3 से 4 बड़े चम्मच लिए मैंने, तो उस हिसाब से हम मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें हमें डालना है पानी। इसमें पानी हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, एकदम पानी हमें नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें इसका जो बेटर बनाना है वो थोड़ा सा थिक बनाना है, यानी गाढ़ा बनाना है। ये हमने इसमें पानी डाल के हमने मिक्स करना शुरू करा है। अब इसमें हमें डालना है नमक। नमक अगर हम सूजी के साथ में मिला देंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और पूरी सूजी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा नमक। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हम अब इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हमको तैयार करना है इसका तड़का। तड़के के लिए हमने लिए 1 से 2 चम्मच हमने तेल के डाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे राई, इसमें थोड़े कड़ी पत्ते डालेंगे। अब इसमें हमने ये 1 से 2 जो हमारी मीडियम साइज की प्याज है वो डाल के काट के डाली है, और इसी में हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाली है। अब इसे हमें गोल्डन फ्राई होने तक, यानी सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आपके पास सीजन की सब्जियां हैं, बीन्स हैं और मटर है, या आपके पास और गाजर है, तो आप उसे भी इसी टाइम डाल के और सॉफ्ट होने तक डाल सकते हैं। अब ये हमने अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया था। अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो हमने अपना बेटर तैयार करके रखा है। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमने इसलिए सॉफ्ट किया है प्याज को, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम इसमें सॉफ्ट करके हम इसको मिलाते हैं। इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। इसमें हमने थोड़ा हरा धनिया डाला है। इसमें और कोई मसाले डालने की आपको जरूरत नहीं है कि हमें और भी कुछ डालना है। इसमें सादा और सिंपल बनते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं इनो। ये मैंने ब्लू वाला इनो लिया है। आप इसमें खाने वाला सोडा नहीं डालें, उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें इनो के ऊपर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा जो इनो है वो पूरे बेटर में मिक्स हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा इसमें। अब ये हमने लिया है अप्पे बनाने का पैन। ये मेरे पास आयरन का है, ये नॉन स्टिक नहीं है, और इसके जितने भी सांचे थे मैंने थोड़ा तेल डाल के और सवरे अप्पे का जो बेटर है वो हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। इसमें आप ज्यादा फील ना करें, नहीं तो ये बाहर निकल आएंगे। और इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अगर आप कम तेल खाते हैं तो आप कम यूज कर सकते हैं। अगर आप जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से अपना बना सकते हैं। ये मैंने इसको ढक दिया है। ये बनाने में जितनी जल्दी बनते हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी होते हैं। बच्चों को भी आप स्कूल के लिए टिफिन बॉक्स में, नाश्ते में, आप किस टाइम छोटी मोटी भूख होती है तो आप उसमें बना के खा सकते हैं। अब ये देखिए हम एक एक करके अप्पों को पलटते जाएंगे। ये देखिए नीचे से कितने अच्छे से सिके हैं, ये कुरकुरे सिके हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बॉल की तरह बिल्कुल फूल जाते हैं। इसमें अब हम पलटने के बाद दोबारा से ऑयल डालेंगे, फिर इसे हम ढक देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाएंगे और स्पंजी और फूले हुए बनेंगे। और ये हेल्दी नाश्ता है। इसमें आपको कोई भी हेल्थ कॉन्शियस वाले जो होते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। अब इसे हम एक एक करके सब निकाल लेंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरा बेस तैयार करेंगे अपना। इसमें एक एक करके फील करते जाएंगे इसमें। और आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, या मीठी खट्टी चटनी के साथ आप बना सकते हैं। ये मेरी जो चटनी की रेसिपियाँ हैं, मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी चटनियों की रेसिपी। अगर आपको ये मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पे भी बटन दबाना ना भूलें। तो आप इसे जरूर बनाएं और खाएं। थैंक यू।